जहां तक ये होगा बेटा, देखिए दो एक क्लास और जाएगी हमारी, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में से रिवीजन शुरू होंगे। तो मतलब नेक्स्ट क्लास का मतलब यही है कि नेक्स्ट वीक क्लास चलेगी, उसके बाद आपका रिवीजन पर्पस चलेगा जो भी क्लास का डिस्कशन रहता था। तो शुरू करते बेटा हम। देखिए ट्रेंड्स, जब हम बात करते हैं यहां पे ट्रेंड्स की स्पेलिंग गलत होगी, आर आना चाहिए। ट्रेंड्स इन फिजिकल प्रॉपर्टीज, जिसमें से बेटा हमने फर्स्ट जो शुरू किया था वो था एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। जब हम बात करते हैं बेटा, जल्दी से मैं आपको बता देता हूँ एटॉमिक रेडियाई क्या होता है। एटॉमिक रेडियाई ये होता है बेटा डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, बेटा न्यूक्लियस से लेके वैलेंस शेल तक का जो डिस्टेंस होता है दैट इज नोन एज एटॉमिक रेडियाई। हाँ जी बच्चे, स्क्रीन शेयर कर दी मैंने। अब इसी बेटा दूसरी हम बात करते हैं, यहां पे भी सेम ऐसी डेफिनेशन की बात करेंगे। द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, यानी न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के जो डिस्टेंस, बीच का डिस्टेंस होता है, दैट इज आल्सो नोन एज एटॉमिक रेडियाई। क्लियर नहीं है बेटा? अब वीडियो बता दीजिए मुझे क्लियर नहीं है तो फिर मैं दूसरा नेटवर्क ऑन करता हूँ उसका नेट। यह सब बच्चों को क्लियर है बेटा? एक आदमी तो प्रॉब्लम हो सकती है। ओके बेटा, एक आदमी क्लियर है सर जी, क्लियर। ओके बेटा, एक आदमी प्रॉब्लम हो सकती है बेटा, उसमें वो नेट का हो जाता है कई बार। चलिए कोई बात नहीं। अब मैंने कहा था ये एटॉमिक रेडियाई कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है बेटा, ध्यान सुना कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जिसमें सबसे पहला फैक्टर बताया था नंबर ऑफ शेल्स की बात करते बेटा। जब हम नंबर ऑफ शेल्स की बात करते हैं, यहाँ देखिए यहाँ दो शेल्स थे, यहाँ पे तीन शेल हो गए, ऐसे हम नेक्स्ट जाते हैं चार शेल हो जाएंगे। तो एज द नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करते बेटा, एटॉमिक रेडियाई भी क्या करता है, इंक्रीज करता है ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स। सेकेंड हमने बात की थी बेटा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की। देखिए बेटा न्यूक्लियर चार्ज की जब हम बात करते हैं, आप भी जानते हो न्यूक्लियर चार्ज, मैंने कल भी बताया था न्यूक्लियर चार्ज बेटा डिपेंड्स करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पे। जिस भी एटम के अंदर नंबर ऑफ शेल्स सेम है, क्या सेम है बेटा, नंबर ऑफ शेल्स सेम है और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज होते जा रहे हैं, तो याद रखना बेटा उसके अंदर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता रहेगा। और वो मैंने आपको एग्जांपल बताया था लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, इसका एग्जांपल मैंने आपको कल लेके बताया था, जिसमें मैंने बताया था देखो हर एक के अंदर लिथियम है, बेरिलियम है, बोरोन है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इन सब में नंबर ऑफ शेल्स क्या रहते हैं, दो। बट एज वी मूव लेफ्ट टू राइट, यानी लिथियम से फ्लोरीन की तरफ जाते हैं, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या करते हैं बेटा, इंक्रीज करते रहते हैं। और आप भी जानते हो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज करेंगे तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करेगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब होता है बेटा अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द वैलेंस शेल, ये जो अट्रैक्शन पावर है इसकी इंक्रीज करती रहती है बेटा। और जितनी ज्यादा अट्रैक्शन पावर इंक्रीज होगी, अट्रैक्ट करने की पावर जितनी ज्यादा इंक्रीज होगी, उतना ही एटॉमिक साइज क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। ठीक बेटा, इसी वजह से एटॉमिक रेडियस क्या कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है। इसके अंदर बेटा एक थर्ड फैक्टर और रह गया था, मैं सोचा था कल ही करा दूं बट इतना टाइम नहीं मिला क्योंकि स्कूल जाना था, आज उसी को हम थर्ड फैक्टर को डिस्कस करते हैं। थर्ड फैक्टर क्या है बेटा, ये एक्चुअली में आपके 11th पे नहीं है, 12th पार्ट्स में है बेटा, उसको मैं डिस्कस कर देता हूँ यहीं पे, जिससे 12th में भी आपको समझना इजी हो जाएगा। इसे हम कहते हैं बेटा थर्ड फैक्टर इज नोन एज पुअर शील्डिंग इफेक्ट, और इसका दूसरा नाम होता है बेटा स्क्रीनिंग इफेक्ट भी कहते हैं। कौन सा इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट। देखिए बेटा स्क्रीनिंग इफेक्ट की जब हम बात करते हैं, जितने भी हमारे पास फुली फिल्ड डी एंड एफ ऑर्बिटल्स होते हैं, ध्यान सुना, जितने भी हमारे पास फुली फिल्ड डी एंड एफ ऑर्बिटल्स होते हैं, ये सारे के सारे क्या करते हैं बेटा, पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट करते हैं, क्योंकि ये खुद को क्या करते हैं बेटा, इनर्ट की तरह बिहेव कराते हैं। किसकी तरह बिहेव कराते हैं, इनर्ट की तरह। और जब ये खुद को इनर्ट की तरह बिहेव कराते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है बेटा, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जब हम बात करते हैं बेटा स्क्रीनिंग इफेक्ट की बात करते हैं, तो स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होते हैं बेटा, सिंपल सी क्या होती है, एक शील्डिंग होती है विच इज क्रिएट बाय द इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है बेटा, क्रिएट किसके द्वारा होती है, इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा क्रिएट किया जाता है, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द अट्रैक्शन टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। ठीक है बेटा, the intervening attraction या electron shields
The valence electron. Forms the attraction. और फिर उसके बाद एक सिंपल शब्दों में इसको एक्सप्लेन कर दूंगा बेटा. From the attraction towards the nucleus. ठीक है बेटा. अब होता क्या है बेटा, देखिए जब हम बात करते हैं बेटा, देखो फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूं, एक एग्जाम्पल लेके इसको एक्सप्लेन करते बेटा. ग्रुप 13 की बात करते हैं. किसकी बात करते हैं? ग्रुप 13. ग्रुप 13 के जो मेंबर्स होते हैं वो हमारे पास होते हैं बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम. बस यहीं तक की बात करते हैं बेटा. ठीक है, जब हम बोरोन की बात करते हैं, बोरोन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 5, एल्यूमिनियम में होता है 13 और गैलियम का होता है बेटा 31. देखिए बेटा, आप भी जानते हैं बेटा, बोरोन के अंदर नंबर ऑफ शेल्स कितने होंगे भाई? हाँ भाई, बोरोन के अंदर नंबर ऑफ शेल्स कितने होंगे? 2 और 3, 2 शेल. बेटा साथ साथ में बता दिया करो प्लीज. और एल्यूमिनियम में 3 शेल्स और गैलियम में बेटा 3 4. अब देखिए बेटा में, हाँ जी बेटा बिल्कुल सही. अब देखिए बेटा, जब हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करें, और जब नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करते हैं तो जनरली होना क्या चाहिए? जब हम जनरली की बात करते हैं, जनरली बोरोन का सबसे छोटा साइज होगा, फिर एल्यूमिनियम का थोड़ा बड़ा साइज होना चाहिए, और सबसे बड़ा साइज किसका होना चाहिए? गैलियम का. जनरल ट्रेड ही होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता बेटा. इस केस में होता क्या है, जब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेते हैं तो इसका होता है 1s2, 2s2, 2p1. अब इसकी बात करते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. अब नेक्स्ट वाले की 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, लास्ट 4p1. जनरली होता क्या बेटा, जनरल में तो ये होता है, जनरल ट्रेंड, जनरल जब हम ट्रेंड्स की बात करते हैं, जनरल ट्रेंड्स होता ये है कि बेरिलियम का सबसे छोटा होगा, एल्यूमिनियम का उससे बड़ा होगा, और सबसे बड़ा गैलियम का होगा, यदि हम तीन एलिमेंट्स की बात करते हैं. बट जो इसका एक्चुअल ट्रेंड होता है, जो एक्चुअल की बात करते हैं, बट एक्चुअली सबसे छोटा साइज बेरिलियम का, फिर गैलियम का, और फिर एल्यूमिनियम का रहता है. ऐसा क्यों? जनरल ट्रेंड ये होता है, ये नहीं होता. पेपर में इसी के ऊपर क्वेश्चन आते हैं बेटा, जब हम अरेंजमेंट की बात करते हैं, एटॉमिक साइज की बात करते हैं. तो देखो मैं पहले बता रहा हूँ, इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे, जो एक्सेप्शंस होंगे उन्हीं के ऊपर क्वेश्चंस आएंगे. आप जब सोच रहे हो कि भाई जनरल आपका जो आएगा वो नहीं आएगा, एक्सेप्शंस के ऊपर क्वेश्चन आएंगे. जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो एक्सेप्शंस के 1 to 30 आपके सिलेबस में है, तो उस एक्सेप्शंस के ऊपर क्वेश्चन आते बेटा. अब देखिए ऐसा क्यों हुआ. देखो बेटा, जब हम बात करते हैं, ये जो पुअर शील्डिंग इफेक्ट होती है वो मेनली कॉज करते हैं पुअर शील्डिंग इफेक्ट, और इफेक्टिव शील्डिंग एस और पी ऑर्बिटल करते हैं. ध्यान सुना, जो इफेक्टिव शील्डिंग होती है बेटा, दैट वाज डन बाय एस एंड पी ऑर्बिटल्स, और पुअर शील्डिंग इफेक्ट कॉज बाय डी एंड एफ ऑर्बिटल्स कॉज करते हैं. जब ये डी ऑर्बिटल्स के जो इलेक्ट्रॉन है, फुली फील्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये खुद को क्या कर लेते हैं बेटा, अलाइन कर लेते हैं टूवर्ड्स न्यूक्लियस. A group of electrons when aligned towards, ये सारे के सारे खुद को क्या कर लेते हैं, electrons align कर लेते हैं towards nucleus. A group of electrons when aligned towards nucleus. और यहाँ पे ये जो electrons होते हैं negative charge होते हैं, और यहाँ पे जो nucleus होता है वो कैसा होता है बेटा, nucleus होता है positive charge. तो ये जब खुद को align करते हैं nucleus की तरफ, तो ये opposite charge होता है, तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं, attraction करते हैं, forms the attraction towards the nucleus. इसी वजह से बेटा ये nucleus की तरफ क्या हो जाते हैं, attract हो जाते हैं. As a result of which, और इसी shielding को, यानी group of electrons जो चारों तरफ एक तरफ एक ही direction में align होते हैं, इसी shielding को या इसी screening को हम कहते हैं poor shielding effect या poor screening effect कहा जाता है बेटा. हाँ जी बेटा, समझ में आई बेटा? तो जितनी ज्यादा बेटा उसके अंदर, हाँ जी बेटा एक और बार बता दो सर जी. चलो मैं समझ नहीं आ रहा. ओके बेटा, एक और बार मैं दोबारा से बताता हूँ. जितने भी बेटा हमारे पास जब बात करते हैं पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट, या हम बात करते हैं पुअर शील्डिंग इफेक्ट की बात करते हैं, ये पुअर शील्डिंग इफेक्ट कॉज होती है बेटा, पुअर शील्डिंग इफेक्ट कॉज्ड बाय
फुल्ली फिल्ड डी एंड एफ ऑर्बिटल्स, यानी कहने का मतलब सिंपल सा है बेटा, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन डी में फिल होते जाएंगे, डी एंड डी के द्वारा भी होते हैं और एफ के द्वारा भी पोअर शील्डिंग इफेक्ट होता है, फुली फिल्ड होना चाहिए। और जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन डी में इंक्रीज होते जाएंगे, ध्यान से ना, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन डी में इंक्रीज होते जाएंगे उतनी ही ज्यादा उसके अंदर क्या होगी बेटा, शील्डिंग इफेक्ट होती जाएगी। तो सबसे पहले सुना, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा इफेक्टिव स्क्रीनिंग इफेक्ट करता है बेटा एस ऑर्बिटल करते हैं, या एस के वैलेंस इलेक्ट्रॉन करते हैं, फिर पी के करते हैं, फिर डी के करते हैं, और सबसे कम करने वाले किसके होते हैं, एफ के। तो ये स्क्रीनिंग इफेक्ट की क्या रहती है बेटा, ऑर्डर रहता है। सर फिर एक्चुअल बी, हाँ मैं बता रहा हूँ बेटा, वही बता रहे हैं। एक्चुअली में क्या है बेटा, जब इसकी बात करते हैं, देखो एल्यूमिनियम की बात करते हैं, एल्यूमिनियम में जो इलेक्ट्रॉन्स है, देखो पी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन, एक ही है, फुली फिल्ड नहीं। यदि ये फुली फिल्ड होता तो ये टूवर्ड्स क्या होता है, एलाइन होता है न्यूक्लियस की तरफ, ठीक है बेटा। बट यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं, मैंने कहा पुअर शील्डिंग इफेक्ट का सबसे ज्यादा कॉज होता है। अब ये जो डी ऑर्बिटल जब ये फुली फिल्ड हो चुके हैं, तो ये ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी ग्रुप ऑफ 10 इलेक्ट्रॉन्स, ग्रुप ऑफ 10 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कौन से ऑर्बिटल्स के, डी ऑर्बिटल्स के, ये 10 इलेक्ट्रॉन्स खुद को क्या करते बेटा, अलाइन कर लेते। अलाइन मतलब करने का, अलाइन का मतलब क्या हुआ बेटा, अलाइन वर्ड का मतलब है ये खुद को ओरिएंट करते हैं, जैसे ये न्यूक्लियस है, ये सारे के सारे क्या करते हैं, खुद को ओरिएंट कर लेते हैं न्यूक्लियस की तरफ। यानी ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहा है, खुद को अलाइन कर लेता है, अलाइन करने का मतलब टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ न्यूक्लियस। और ये क्या करते हैं बेटा, 10 के 10 इलेक्ट्रॉन जो डी के अंदर हुए, सारे के सारे अलाइन हो गए किसकी तरफ, न्यूक्लियस की तरफ अलाइन हो गए। और न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं, नेगेटिव चार्ज, जिससे ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की एक ही डायरेक्शन में होने की वजह से क्या होती है, अट्रैक्शन और ज्यादा इंक्रीज होता है टुवर्ड्स न्यूक्लियस, और ज्यादा क्या हो जाती है, इंक्रीज कर जाते हैं, जिसकी वजह से इनके बीच में अट्रैक्शन न्यूक्लियस के बीच में एंड डी ऑर्बिटल्स किसके, 3D के 10 इलेक्ट्रॉन्स के बीच में क्या हो गया, अट्रैक्शन हो गई। और इसी अट्रैक्शन को कॉज्ड बाय ए ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसी शील्ड को हम कहते हैं बेटा स्क्रीनिंग इफेक्ट कहते हैं, या फिर इसको कहा जाता है पुअर शील्डिंग इफेक्ट। अब यहाँ पे वर्ड क्या है, पुअर कहने का मतलब क्या है, यदि आप थोड़ी सी एनर्जी दो तो ये शील्ड क्या हो जाता है बेटा, टूट जाती है, ये इफेक्टिव नहीं होती। थोड़ी सी एनर्जी देने पे ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, वापस से डिस्टर्ब हो जाते हैं, और ये शील्ड क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड पुअर शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है बेटा, समझ में आया नहीं है। अब जितने भी बेटा, जितने भी ज्यादा डी के अंदर जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन भरते जाएंगे उतनी ज्यादा शील्डिंग होगी। तो ये क्या करता है, इतनी अलाइन कराता है कि इसका एटॉमिक साइज एल्यूमिनियम से भी छोटा होता है। तो पेपर में क्वेश्चन आएगा कि गैलियम का एटॉमिक साइज एल्यूमिनियम से छोटा क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर जो डी ऑर्बिटल होते हैं ये खुद को क्या कर लेते हैं बेटा, ये डी ऑर्बिटल फुली फिल्ड होता है, तो जिसकी वजह से पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है, और जिसकी वजह से एटॉमिक साइज क्या कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है बेटा। ठीक है बेटा, इसकी वजह से क्या हो गया, एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है, क्योंकि ये खुद को क्या करते हैं, टुवर्ड्स न्यूक्लियस अट्रैक्ट करवा लेते हैं ए ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज कॉल्ड पुअर शील्डिंग इफेक्ट। एंड लास्ट फोर्थ, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। देखिए बेटा, जब हम इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन की बात करते हैं, ध्यान सुना, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, अब देखो बेटा इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, देखिए बेटा इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन कैसे चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, और जैसे ये पास पास आ जाएंगे तो इनके बीच में क्या होगी, एनी वन ऑफ द स्टूडेंट, रिपल्शन, बिल्कुल रिपल्शन, बिल्कुल सही, रिपल्शन होगी। जैसे बेटा ये क्लोज आएंगे एक दूसरे के, क्या आएंगे, क्लोज आएंगे, तो इनके बीच में क्या होगी, रिपल्शन होगी। और रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए तो इनके बीच का डिस्टेंस इंक्रीज करना पड़ेगा या और डिक्रीज करना पड़ेगा, रिपल्शन को कम करने के लिए इनको पास लाना पड़ेगा, दूर करना पड़ेगा, इंक्रीज इंक्रीज इंक्रीज, इसी वजह से बेटा, हाँ जी बेटा, इसी वजह से जब हम बात करते हैं इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होने की वजह से, ड्यू टू इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, एटॉमिक साइज क्या कर जाता है बेटा, हमारा एटॉमिक साइज इंक्रीज कर जाता है ड्यू टू इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज की बात करते हैं, ये क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है।
अब हम बात करते बेटा इसके अंदर जनरल ट्रेंड्स, फिर एटॉमिक रेडिए की बात करेंगे। अब हम जनरल ट्रेंड्स की बात करते हैं कि इसमें ग्रुप में, अब देखिए बेटा जब हम बात करते हैं, पहला डाउन द ग्रुप की बात कर रहे हैं बेटा, जैसे हम फर्स्ट ग्रुप की बात करते हैं, ग्रुप फर्स्ट में कौन कौन सा आते हैं, ली ना की रब से फरियाद, ठीक है बेटा। अब देखिए लिथियम के अंदर एटॉमिक साइज होता है दो, इसके अंदर शेल होता है 2-1, इसके अंदर क्या होता है 2-8-1, इसके अंदर बात करते हैं 90-2-8-8-1, इस टाइप से देखिए बेटा। तो देखिए नंबर ऑफ शेल्स क्या कर रहे हैं डाउन द ग्रुप इंक्रीज कर रहे, तो एटॉमिक साइज भी क्या करेगा बेटा, वेरी गुड बेटा, ओके बेटा। देखिए जब हम डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियाई इंक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स और छोटी क्लासेस में क्या कहा गया था बेटा, इस छोटी क्लासेस में बताते हैं, ड्यू टू एडिशन ऑफ न्यू इलेक्ट्रॉन, जो भी नया इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो वो नए शेल्स में क्या होता रहता है, ऐड होता है, ड्यू टू एडिशन ऑफ न्यू इलेक्ट्रॉन टू द न्यू शेल्स, इसका यही मीनिंग होता है बेटा, क्योंकि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे तो वो नए शेल्स में क्या होंगे, इंट्रोड्यूस करते रहते हैं, तो इसी वजह से क्या होता है एटॉमिक साइज डाउन द ग्रुप क्या करता है, इंक्रीज करता है। अब देखिए बेटा जैसे नंबर ऑफ साइज इंक्रीज कर रहा है, देखो यहाँ पे इनके बीच में न्यूक्लियस के बीच में और दो शेल्स के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा होगी, जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जा रहे हैं अट्रैक्शन कम होती जा रही है, तो टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन डाउन द ग्रुप इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, इलेक्ट्रॉन डाउन द ग्रुप इंक्रीजेस, और जो जितनी जल्दी लूज कर देता है उसका मेटलिक करेक्टर उतना ही ज्यादा होता है, कम होता है बेटा, ज़्यादा होता है। दूसरी चीज, एज वी मूव लेफ्ट टू राइट अलोंग द पीरियड, बेटा अलोंग द लेफ्ट राइट का मतलब है यानी हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं, जैसे बेरिलियम मैंने कहा था, बेरिलियम वो जो लिथियम हो गया, लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, लेफ्ट राइट जा रहे हैं, तो एटॉमिक साइज क्या करता है बेटा, डिक्रीजेस ड्यू टू increase in effective number of protons, बेटा उसी को number of proton, हाँ उसी को number of protons को जब word कहते हो तो वो एक simple सा बेटा वो explain करने का reason था, but जब आप उसको explain करोगे तो वहाँ पे आप लिखोगे effective nuclear charge, nuclear charge। ओके बेटा देखो यहाँ तो हम फ्लोरीन तक की बात कर रहे हैं, बट जब हम फ्लोरीन से, फ्लोरीन के बाद कौन सा आता है, एटॉमिक नंबर 9 के बाद कौन सा आता है, 10 किसका होता है, नियोन। हाँ जी बेटा, तो यही बात कर रहे हैं, एज वी मूव फ्रॉम फ्लोरीन टू नियोन, बताइए एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, बिल्कुल गलत, यही एक्सेप्शन है। देखिए जब हम बात करते हैं बेटा, ध्यान सुनना, अब हम बात कर रहे हैं
the atomic radii increases. तो जब हम बात करते हैं बेटा तो एटॉमिक रेडियाई नियॉन का ज्यादा होता है एज कंपेयर टू फ्लोरीन. अब इसका रीजन एक्सप्लेन करता हूं क्यों. देखिए बेटा जब इसके रीजंस की बात करते हैं हम ऐसा क्यों होता है. ये सारे एक्सेप्शन है बेटा, ये एक्सेप्शन है ना, याद रखना. जब आपके टेस्ट होंगे तो इन्हीं एक्सेप्शन में से पहले जो टेस्ट होगा वो थोड़ा सा हम सिंपल बनाएंगे, कुछ एक्सेप्शन डालूंगा, बट नेक्स्ट वाले टेस्ट में सबसे ज्यादा. क्योंकि बेटा जब आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम की बात करते हैं, क्योंकि जो 11th क्लास होती है ये हमारा कॉन्सेप्ट बिल्डअप का काम करती है, और 12th क्लास में सिर्फ हम एप्लीकेशन करते हैं. देखिए बेटा जब हम न्यूक्लियस की बात करते हैं, ये हमारे पास न्यूक्लियस, ये देखो हम पहले सबसे पहले मैं फ्लोरीन बताऊंगा और उसके बाद हम क्या करेंगे नियोन की बात करेंगे. न्यूक्लियस ये फर्स्ट शेल होता है इसके अंदर भी, और इसके अंदर भी कौन सा शेल होता है, सेकेंड शेल होता है. आप देखिए इसमें भी ये न्यूक्लियस, ये फर्स्ट शेल और ये सेकेंड शेल. अब बेटा देखिए दोनों के फर्स्ट, जो फर्स्ट शेल की बात करते हैं, दोनों के फर्स्ट शेल में दो दो इलेक्ट्रॉन होते हैं. बिल्कुल सही, दो दो इलेक्ट्रॉन होते हैं. बट सेकेंड शेल में जब हम बात करते हैं, नियोन का एटॉमिक नंबर 10 होता है, 2 और 8. ये 10 8 इलेक्ट्रॉन्स इतने क्लोज आ जाते हैं 8 इलेक्ट्रॉन भरने की वजह से, क्योंकि इनके बीच में फिर क्या होगी बेटा क्लोज आने की वजह से, जल्दी बताओ. रिपल्शन. बिल्कुल सही. तो एटॉमिक रेडियाई इसी वजह से करता है क्योंकि इन सेकेंड शेल द प्रेजेंस ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन हैविंग स्मॉल साइज ऑफ सेकेंड शेल इलेक्ट्रॉन्स कम्स क्लोजर टू ईच अदर, वो एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं, जिसकी वजह से या एज अ रिजल्ट आप ले सकते हैं, एज अ रिजल्ट इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन टेक प्लेस. So, atomic radii of neon is greater than fluorine. इसमें कोई डाउट बेटा? ये आपके पास क्वेश्चंस इस टाइप से आते हैं, ठीक है बेटा? ये neon के ऊपर एक्सेप्शन हो गया. तो जब आपसे पूछा जाएगा तो बता देना कि neon का अपने ग्रुप के अंदर जब हम बात करते हैं out of fluorine और neon का जब ऑप्शन आए तो याद रखना नियोन का एटॉमिक साइज बड़ा होता है एज कंपेयर टू फ्लोरीन, ठीक है बेटा. अब दूसरा था इसके अंदर जब हम हेडिंग की बात करते हैं, दूसरा था आयनिक रेडियस की बात करते हैं. आयनिक रेडियस, अब मुझे बताओ बेटा हमारे सिलेबस में कितने टाइप्स के आयंस होते हैं बेटा. जब हम सिंपल आयंस की बात करते हैं तो कितने टाइप्स के आयंस होते हैं हमारे, दो टाइप्स के. एक होता है कैटायन एनायन. बिल्कुल सही. कैटायन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है? पॉजिटिव. पॉजिटिव चार्ज, बिल्कुल सही. और कैटायन कब बनता है, बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. बिल्कुल सही, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. और जो एनायन होता है बेटा ये फॉर्म होता है फॉर्म्ड बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. वेरी गुड बेटा, वेरी गुड. और इसके ऊपर चार्ज होता है, इसके ऊपर चार्ज होता है पॉजिटिव और इसके ऊपर चार्ज होता है नेगेटिव चार्ज आ जाता है. चलिए अब इन्हीं की बात करते हैं बेटा. अब देखो फॉर एग्जांपल अब आयनिक रेडियस की डेफिनेशन जब आपसे पूछी जाए तो आयनिक रेडियस की डेफिनेशन क्या होगी कैटायन के केस में और एनायन के केस में. जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने कहा सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर तो है 11, 2, 8, 1 और ये खुद को स्टेबलाइज करने के लिए सोडियम क्या करता है एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है, जिससे ये अपनी ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है ऑक्टेट. तो अब बेटा यहाँ पे ये क्या बन गया आपके पास कैटायन बन गया, क्योंकि ये क्या हो गया हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके ये क्या बन गया कैटायन. अब इसके अंदर आखिरी शेल कौन सा आ गया सेकेंड शेल हो चुका है. तो यहां से लेके बेटा न्यूक्लियस से लेके वैलेंस शेल तक का जो डिस्टेंस होगा, अब ये वैलेंस शेल नहीं कहलाएगा थर्ड वाला, अब वैलेंस शेल कहलाएगा इसका सेकंड वाला.
तो ये कहलाता है बेटा जहां पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है, ठीक है बेटा, दैट इज नोन एज ये कैटायनिक रेडी। ऐसे जब एनायन बन जाएगा इलेक्ट्रॉन लेके तो दैट इज कॉल्ड एनायनिक रेडी। और जनरली जब हम बात करते हैं बेटा तो ये क्या रहता है हमारे पास आयनिक रेडियाई। तो जब इसकी डेफिनेशन की बात करेंगे तो आयनिक रेडियाई मे बी डिफाइंड एज द effective distance from the center of the nucleus किसका आयन का, क्योंकि ये बेटा अब आयन बन चुका है, of the आयन up to which it exerts its influence on the electron cloud, or आप कह सकते हो valence shell electron। अब जहां तक उसमें valence shell electron present है वहां तक के distance को कहते हैं बेटा हम क्या चीज, anionic radii या ionic radii कहते हैं बेटा, ठीक है बेटा, ये कहलाती है आयनिक रेडियाई। अब देखिए बेटा इसके ऊपर क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं। कैसे क्वेश्चंस आते हैं ध्यान सुनो। अब हम कैटायनिक और यानी कैटायनिक और एनायनिक दोनों को पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं कैटायनिक की बात करता हूँ, इसकी बात करते हैं हम कैटायनिक की, फिर इसका जनरल ट्रेंड हम पढ़ेंगे बेटा। तो जनरली ये होता है बेटा कैटायन का जो रेडियस होता है अपने पेरेंट एटम से ऑलवेज स्मॉलर होता है, वो बताऊंगा। तो हम लिखते हैं यहाँ पे जनरल लिख देते हैं द रेडियस या रेडियाई ऑफ कैटायन इज ऑलवेज स्मॉलर देन दैट ऑफ पेरेंट्स एटम। ऐसा क्यों, बिकॉज अब रीजन लिखूंगा, बिकॉज पहले मैं आपको समझा देता हूं फिर उसके बाद रीजन लिखते हैं बेटा। देखिए जब हम सोडियम की बात करते हैं, सोडियम के अंदर बेटा नंबर ऑफ शेल्स कितनी है बेटा, थ्री। हाँ जी बेटा थ्री, वेरी गुड थ्री। अब उसने बेटा अब देखो ध्यान से यहां पे, अब इस सोडियम के अंदर पहले नंबर ऑफ शेल्स थ्री थी, अब उसने एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया। अब Na प्लस के अंदर नंबर ऑफ शेल्स कितने रह गए, टू। वेरी गुड। और बेटा देखिए जब हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की बात करते हैं, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इस केस के अंदर आपके पास 11 है, और इस केस के अंदर भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने, 11, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लॉस करे प्रोटॉन नहीं करे, क्योंकि प्रोटॉन सेम रहते बेटा। और थर्ड चीज हम बात करते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं, देखो साथ में इलेक्ट्रॉन्स भी लिखते हैं, इस केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 11 थे और एक लॉस करने के बाद 10 हो गए बेटा 10। आप देखें बेटा जब हम बात करते हैं ध्यान से सुनना, यहाँ पे 11 प्रोटॉन दो शेल्स को होल्ड करे हुए और यहाँ पे 11 प्रोटॉन तीन शेल्स को, तो मुझे बताइए कौन सा इफेक्टिवली शील्ड ज्यादा करेगा, क्योंकि बेटा 11 प्रोटॉन, ध्यान से देखना 11 प्रोटॉन्स की बात करें इसको सिर्फ दो होल्ड करके रखने हैं और यहाँ पे 11 को 3% होल्ड करके रखने हैं, तो आप ध्यान से देखिए 3% होल्ड करने हैं और एक को 2% होल्ड करने हैं, 11-11 दोनों को इक्वल दे रखे, तो इफेक्टिवली ज्यादा इफेक्टिवली कौन करेगा, ज्यादा इफेक्टिवली क्या करेगा 11 प्रोटॉन्स वाले दो शेल्स को इजिली होल्ड करेंगे, ये कैटायनिक वाला। इसी वजह से बेटा कैटायनिक का जो एटॉमिक साइज होता है बेटा वो छोटा होता है, और जितने ज्यादा, याद रखना जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज करेगा मोर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा मोर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा स्मॉलर द उतनी छोटी आयनिक रेडियस होती है,
स्मॉलर द आयनिक रेडियस. ये वर्ड याद रखना बेटा, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा आप देखो. ये रिपीट कर दो दोबारा. ओके बेटा, ध्यान से देखिए, जब हम बात करते हैं, देखो ध्यान से यहाँ पे बेटा, जब हम बात करते हैं एक इलेक्ट्रॉन लॉस करने पे, देखो जब हम एक इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, ध्यान से सुना, यहाँ पे बेटा सोडियम की बात करते हैं. देखो सोडियम, सोडियम के अंदर नंबर ऑफ शेल्स कितने हैं, 1 2 3, थ्री शेल्स है, नंबर ऑफ शेल्स 3 लिख दिए. अब आफ्टर लूजिंग वन इलेक्ट्रॉन, सोडियम के अंदर नंबर ऑफ शेल्स कितनी रह गई, 2. अब इसके अंदर हम नंबर ऑफ शेल्स 2 रहेगी. अब प्रोटोन आप जानते हो, प्रोटोन इसके अंदर 10 है बेटा, इसके अंदर भी 10 प्रोटोन है. इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन 11 है और इसके अंदर 10 है. अब ध्यान से सुनो बेटा, एक एग्जांपल के तौर पे एक्सप्लेन करता हूं, क्योंकि मोस्ट प्रोबली आपको जल्दी जल्दी एग्जांपल समझ में आ जाएगा. अब देखिए बेटा, किसी भी एक पड़ोस में 11 चोर आए, ध्यान सुना, 11 चोर आए. अब 11 चोर जब गए बेटा, ध्यान सुना, ये 11 चोर आ गए तो एक घर में घुसे और उस घर में 3% थे. कितने पर्सन थे, 3%. इन 11 चोरों को, इन 3% को होल्ड करने में ज्यादा टाइम लगेगा या 2% को होल्ड करने में, क्योंकि सारे की जब बात करते हैं बेटा, कहोगे सर कोई पहलवान भी हो सकता है, नहीं, सारों की एनर्जी सेम की बात करते हैं. तो मुझे बताइए इफेक्टिवली, यदि आपका एक चोर, यानी हम बात करते हैं तीन चोर भी मिलके एक बंदे को होल्ड करके रखते हैं, क्योंकि भाई पैर बांधेंगे, हाथ बांधेंगे, मुंह बांधेंगे, तो भाई हाथ पैर बांधने में एक बंदा लगेगा, मुंह बांधने में एक बंदा और हाथ बांधने में एक बंदा, तीन बंदे हो गए. तो तीन कितने परसेंट इसमें लग गए, एक बंदे को 3 और 3 को 9%, सिर्फ दो ही चोर बचे और दो चोर चोरी करेंगे. और यहाँ पे बेटा सिर्फ 2% को बांधने, यहाँ पे 6 बंदे लगे और अब यहाँ पे 5% चोरी करेंगे. तो इफेक्टिवली चोरी किसके अंदर ज्यादा होगी, एनए पॉजिटिव में ज्यादा होगी या एनए के अंदर ज्यादा होगी, एनए पॉजिटिव में. और जितनी ज्यादा चोरी होगी वो, बिल्कुल सही, जितनी ज्यादा चोरी होगी उतना ही वो क्या हो जाएगा, स्मॉलर हो जाएगा. इस टाइप से याद रखना. तो याद रखना बेटा, जितने ज्यादा उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा उतनी ही ज्यादा क्या होगी, उसका स्मॉल साइज होता चला जाएगा. समझ में आया बेटा, इसी वजह से, इसी तरह से याद रखना. यस सर. ओके बेटा, देखो मैं अब एग्जांपल के तौर पे आपको समझ में आ गया. अब यही चीज हम बात करते हैं सिंपल वे में कि बेटा जितने ज्यादा, ध्यान सुना, जितने ज्यादा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे ओवर द नंबर ऑफ, ये देखो एक्चुअल में हम इन दोनों की बात करते हैं. अब देखिए 11 चोरों को 11 इलेक्ट्रॉन होल्ड करने और 11 चोरों को 10 इलेक्ट्रॉन होल्ड करने, फिर भी एक चोर बच गया हमारा. ये एक चोर क्या कर सकता है, चोरी कर सकता है. और यहाँ पे 11 चोर 11 को तो ये तो होल्ड करने में लग गए, कोई चोर बचा ही नहीं जिससे चोरी हो जाए, बाद के वापस आ जाएंगे, भाई बुरा दिन लग गया. इसमें एक चोर बचेगा जो चोरी कर सकता है. तो इफेक्टिवली बेटा जो इफेक्टिव चार्ज होगा, मतलब डिक्रीज करने का, वो क्या करेगा इस वाले को, कटायन के केस में क्या होगा, मोर इफेक्टिव हो जाएगा, जिसकी वजह से एटॉमिक साइज क्या कर जाता है बेटा, लॉस कर जाता है. तो इसी वजह से बेटा उसे हम कहते हैं आयनिक रेडियाई. तो याद रखना बेटा, आयनिक रेडियाई की क्या होती है, एटॉमिक रेडियाई, देखो लिखा हुआ साफ साफ, द रेडियाई ऑफ कटायन इज ऑलवेज स्मॉलर देन ऑफ पेरेंट्स एटम. क्योंकि इसमें क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एज कंपेयर टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या जाते हैं, बढ़ जाते हैं, जिससे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, रिलेटिव इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है इसी वजह से. अब बताइए इसमें कोई डाउट हो तो बेटा. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जब हम बात करते हैं बेटा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की बात करते हैं या फिर हम इफेक्टिव, उसमें हम बेटा इसमें यहाँ पे एक वर्ड लिखेंगे, जेड इफेक्टिव की बात कर सकते हो या फिर रिलेटिव की बात कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे रिलेशन कर रहे हैं, इन दोनों के बीच में रिलेशन की बात कर रहे हैं. फिर उसके अंदर हम रिलेटिव की बात करते हैं जब उसके अंदर हम इसको आंसर्स को प्रिफर करेंगे. आपने डायरेक्टली लिख दिया कि भाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाता है, इफेक्टिव कहाँ से इंक्रीज हो गया, इफेक्टिव देखो यहाँ पे भी 11 और यहाँ पे भी 11 है, इफेक्टिव की बात नहीं करते. फिर हम क्या करते हैं, रिलेटिव वर्ड यूज करते हैं, क्योंकि इसका इसके बीच, इनके बीच में रिलेशन की बात करते हैं. 11 11 को होल्ड कर रहा है, 11 10 को होल्ड कर रहा है, तो रिलेटिवली बात करें तो इस पे रिलेटिव इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा. इसी वजह से कटायन का जो रेडियस है वो क्या हो जाता है बेटा, ज्यादा डिक्रीज कर जाता है. ओके बेटा, अब आंसर लिख दें इसका. यस सर. बता दो, लिखे ना लिखे फिर दोबारा समझाना पड़ेगा. यस सर. लिखो सर, लिखो लिखो. ओके बेटा, तो मैं लिख देता हूँ.
cations has relatively more effective nuclear charge. और जब हम बात करते हैं सेम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ओवर लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, कम है. या तो आप रिलेटिव वर्ड का यूज करो, या तो यहां से यहां तक सेंटेंस लिखो, बस इतने से में खत्म हो जाएगा. या फिर यहां से जब कहोगे कि दोनों के केस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो सेम है, यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है, सेम है दोनों में, बट इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, कम होंगे लॉस करने के बाद. ठीक है बेटा, इसी वजह से. अब दूसरी बात करते हैं हम किसकी, एनायन की बात करेंगे. ठीक है बेटा, अब हम नेक्स्ट करते हैं एनायन की बात. पेज को पलट लेते हैं. अब हमारे पास आ गया एनायन, और एनायन आप भी जानते हो बेटा बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं. अब भाई जैसे इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, जैसे हम बात करते हैं, एक सेकंड में बात कर लेता हूं. ओके, सबसे ऊपर हमारे पास बच्चा रखा है, आशी आ रखे थे भाई, सबसे ऊपर नाम आशी का रखा है. आशी बेटा है यहाँ पे? यस सर. हाँ ओके आशी बेटा, देखो फॉर एग्जाम्पल मैं आपका एग्जाम्पल लूंगा. अब आशी बेटा देखो, आपके घर में अभी दो रूम है, ध्यान सुना, आपके घर में दो रूम है, और आप लोग अभी घर में मतलब आपके चाचा ताऊ के बच्चे भी है, चाचा के बच्चे भी है, ताऊ के बच्चे लगा लेते हैं, टोटल मिला के आप सात बच्चे अभी हो. और आपके घर में एक ऐसा कजन आ जाता है, आपका कजन ब्रदर या कजन सिस्टर आ जाता है, जो आपके सामानों को छेड़ता रहता है, छेड़ती रहती है वो, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपके और उसके कजन के बीच में क्या होगी, रिपल्शन होगी, अट्रैक्शन होगी. हाँ जी बच्चों बताइए, आशी के बीच में कजन के बीच में और रिपल्शन होगी, तो एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा, इसी वजह से जब हम बात करते हैं तो रेडियाई जो होती है बेटा, द रेडियाई ऑफ एनायन इज ऑलवेज लार्जर देन that of parent atom. और आशी ऐसे तीन चार कजन आ जाए तो क्या हाल होगा आपका? अरे आशी आवाज ही नहीं आ रही बेटा आपकी. ऐसे तीन चार कजन आ जाए जो आपके सामान छेड़ते रहते हैं, मतलब आपने सजा के अपने घर को सजा के रख रखा है और वो क्या करते हैं, सामान उठा के फेंक देते हैं इधर उधर, ऐसे कजन आ जाए तो क्या होगा फिर? बड़ा ही बड़ा रेडियाई होता जाएगा सर, रिपल्शन बढ़ेगा ज्यादा. बिल्कुल सही, जब हम रेडियाई बढ़ेगा सर, बिल्कुल सही, तो उनके बीच के जो मन के जो मुटाव है वो ज्यादा बढ़ते चले जाएंगे. तो बिकॉज एडिशन ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन पॉजिस इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन causes inter-electronic repulsion as a result of which radii increases. Radii increases. Okay, बेटा अब देखिए, अब यहां पर मैं आपको questions पूछ रहा हूं. अब देखिए Cl और Cl- minus में से, अब यहां पर Cl- minus में हमने क्या करा है, एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर दिया, और जैसे एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करा तो इलेक्ट्रॉन जैसे ऐड होगा बेटा वो कॉज करेगा रिपल्शन, और रिपल्शन होने की वजह से एटॉमिक रेडियाई क्या कर जाता है हमारा, हाँ भाई क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा. और जितने ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप ऐड करोगे उतने ही ज्यादा रिपल्शन इंक्रीज जाएगी. तो यहां पर शॉर्ट में लिख देता हूं, मोर द नंबर ऑफ एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन मोर द रिपल्शन, उतनी ज्यादा रिपल्शन होगी शॉर्ट में बेटा, और जितनी ज्यादा रिपल्शन होगी मोर विल बी द
रेडियाई उतना ही ज्यादा क्या हो जाएगा, रेडियाई होता चला जाएगा। आप देखिए बेटा, एक क्वेश्चन है मेरे पास, O2 नेगेटिव एंड थ्री नेगेटिव F नेगेटिव, ये तीन स्पीशीज आपको दे रखी है। फ्लोरीन में आप देखिए बेटा, अब जब हम बात करते हैं इसका, तो हमें इसको अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऑफ रेडियाई। अब देखिए, जब हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में, जब इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब ये होता है पहले छोटा फिर सबसे बड़ा। अब सबसे बड़ा देखिए बेटा, जब फ्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करे आपने सर? वन नाइट्रोजन में, सर वन नाइट्रोजन में बेटा थ्री, और ऑक्सीजन में टू। तो बताइए बेटा, सबसे ज्यादा रिपल्शन किसमें होगी सर? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन में तीन करे गए, इसलिए इसका जो आयनिक रेडियाई होता है बेटा वो सबसे ज्यादा होता है। और जब आयनिक रेडियाई की बात करते हैं तो इसका होता है 171 पिकोमीटर का होता है। अब उसके बाद बेटा सर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में, और इसके ऑक्सीजन की बात करते हैं तो इसमें बेटा 140 पिकोमीटर होता है। और सबसे कम सर फ्लोरीन, फ्लोरीन, और इस फ्लोरीन के अंदर बेटा जब हम बात करते हैं तो 136 पिकोमीटर रह जाता है। तो देख रहे हो साहब, सब एडिशन ऑफ, जितने ज्यादा आप इलेक्ट्रॉन ऐड करते जाओगे इलेक्ट्रॉन के बीच में उतनी ज्यादा रिपल्शन होगी, और जितनी ज्यादा रिपल्शन होगी एटॉमिक या सॉरी आयनिक रेडियाई उतनी ज्यादा इंक्रीज होता चला जाएगा। ठीक है बेटा, अब एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर शायद वो है 7th या 8th क्वेश्चन है बेटा, 7th और 8th क्वेश्चन में क्या क्या रखा है, क्वेश्चन ये है, नहीं 12th क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, उसमें क्वेश्चन ये है N3 नेगेटिव, O2 नेगेटिव, F नेगेटिव, इस टाइप से दिया क्वेश्चन, Na पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव और Al3 पॉजिटिव। सबसे पहला क्वेश्चन है इनमें कॉमन क्या है, इनके अंदर कॉमन क्या है बेटा? देखिए जब आप बात कर रहे हो बेटा, जब आपने इसको तीन इलेक्ट्रॉन दे दिए तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके अंदर कितने आए सर? नहीं सर, इलेक्ट्रॉन सेम है, इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 10, इसमें भी 10, इसमें भी 10, इसमें भी 10, इसमें भी 10। ठीक है बेटा, तो सब में जब 10 इलेक्ट्रॉन्स है तो ऐसी स्पीशीज जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं बेटा, ऐसी स्पीशीज को कहा जाता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक। बिल्कुल सही, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, यानी दो स्पीशीज विच हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिसके अंदर बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। ठीक है, दूसरी बात उसने क्या रखा बेटा? हाँ जी बेटा बोलो। प्लीज म्यूट कर लीजिए अपने आपको। ओके बेटा, सेकंड क्वेश्चन हमारे पास ये है कि आपको ये बताना है बेटा इसके अंदर कि इनमें से एटॉमिक रेडियाई, सॉरी आयनिक रेडियाई सबसे ज्यादा या सबसे कम, सबसे कम से शुरू करते हैं, सबसे कम किसका होगा बेटा? याद रखना, जिसके अंदर रेशियो प्रोटोन और न्यूट्रॉन का सबसे ज्यादा होगा, मतलब प्रोटोन जिसमें सबसे ज्यादा होंगे अट्रैक्शन उसका सबसे ज्यादा होगा। अब हम यहां से बात करते हैं बेटा N3 नेगेटिव की बात करते हैं, O2 नेगेटिव की बात करते हैं, F नेगेटिव की बात करते हैं, Na पॉजिटिव की बात करते हैं, Mg2 पॉजिटिव की बात करते हैं और Al3 पॉजिटिव की बात करते हैं। अब हमने कहा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपने कहा कि सब में 10 है, बिल्कुल सही, इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन, 10 10 10 10 और 10। अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की बात करते हैं। जब हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स लिखते हैं बेटा, इसके अंदर 13, इसके अंदर यहां शुरू करते हैं 7 8 9 11 12, और जिसके अंदर बेटा प्रोटॉन्स एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स सबसे ज्यादा होते हैं इलेक्ट्रॉन के कंपेरिजन में, उसका एटॉमिक साइज उतना ही छोटा होता है बेटा। प्रोटॉन्स जब ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन्स, कंपैरिजन की बात कर रहा हूं, एज कंपेयर टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, देन रेडियाई स्मॉल होता है बेटा। रेडियाई कैसा होता है? स्मॉल। अब मुझे बताओ सबसे छोटा साइज इनमें से किसका होगा, जल्दी बताओ बेटा,
मैग्नीशियम मैग्नीशियम सोडियम सोडियम फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन ये आपका ऑर्डर रहेगा बेटा, ये इसी के साथ हमारा ये ऑर्डर रहता है बेटा आयनिक, जब हम बात करते हैं आयनिक रेडियाई का। अब साथ साथ में बेटा दो तीन और क्वेश्चंस मैं आपसे पूछ लेता हूँ, ठीक है बेटा। अब मुझे बताइए कि एक तीन स्पीशीज मैं आपको दे रहा हूँ, O2 नेगेटिव, Na सेकेंड स्पीशीज है, थर्ड स्पीशीज है बेटा F, फोर्थ स्पीशीज है F2 नेगेटिव, फिफ्थ स्पीशीज है Mg2 पॉजिटिव और फोर्थ सिक्स स्पीशीज है Al3 पॉजिटिव। अब मुझे बताइए आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज कौन सी है इनमें से, जल्दी बताइए आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज कौन कौन सी है। हाँ जी बच्चे, आइसो सर ऑक्सीजन 2 माइनस सर मैग्नीशियम 2 प्लस और एल्यूमिनियम 3 प्लस। ऑक्सीजन 2 माइनस एमजी 2 प्लस और एल्यूमिनियम 3 प्लस, वेरी गुड, क्योंकि इनके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 10 आइसो इलेक्ट्रॉनिक होगी। अब मुझे अरेंज करना है बेटा आयनिक रेडियाई के बेसिस पे इनको अरेंज करना है। अब बताइए सबसे छोटा साइज इनमें से कौन सा होगा, क्योंकि इसी टाइप से क्वेश्चन सर एल्यूमिनियम 3 प्लस, बिल्कुल सही, सबसे छोटा एलिमेंट, फिर उसके बाद Mg2 प्लस मैग्नीशियम ऑक्सीजन 2 माइनस ऑक्सीजन 2 माइनस। तो आज जो बेटा मैं असाइनमेंट देता हूं वो इसी के बेसिस पे देंगे आपको, कि आज का जो बेटा जो देखो तीन आपको चार पेज में सेंड करूंगा, एक तो ये जो मैंने लिख रखा है ये वाला और दूसरा असाइनमेंट की बात करेंगे, ठीक है बेटा। तो आज इसी के साथ ये हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है इसका कौन से वाला, फिजिकल प्रॉपर्टीज का जो फर्स्ट पार्ट है कौन से वाला है हमारा, जो हमने करा था वो है हमारा एटॉमिक और आयनिक रेडियाई, आज हमने खत्म कर लिया। कराने को तो मैं ये आयनाइजेशन थेरेपी भी करा दूं 5-10 मिनट है, बट वो इतना इफेक्टिव नहीं होगा, क्योंकि 10 मिनट में 10-15 मिनट की बात करते बेटा, क्योंकि थोड़ा ज्यादा टाइम ले जाएगा। तो आयनाइजेशन थेरेपी नेक्स्ट क्लास में यानी मंडे को हम करेंगे, ठीक है बेटा, और इलेक्ट्रॉनिक थेरेपी कर लेंगे तो मंडे और वेनसडे, क्योंकि आज हमारे पास वेनसडे है, आज वेनसडे है ना बच्चों, सर एक बार लास्ट पेज लगा जी, ओके बेटा। तो नेक्स्ट वीक में हम क्या करेंगे बेटा, आयनाइजेशन थेरेपी करेंगे, ले बेटा हमने लास्ट पेज लगा दिया है,